और इस बीच बड़ी खबर आप जान लीजिए, एयर इंडिया की मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट में बम की धमकी मिली है। मुंबई न्यूयॉर्क फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया है। एयर इंडिया फ्लाइट AI-119 में बम की खबर मिली है। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट की सुरक्षा की जाँच जारी है। विमान को आइसोलेशन रनवे पर पार्क करके जाँच की जा रही है। तो एयर इंडिया की मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट में बम की धमकी मिली है। मुंबई न्यूयॉर्क फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया है। एयर इंडिया फ्लाइट AI-119 में बम की खबर मिली है। सहयोगी पल्लव इस वक्त मौजूद है मेरे साथ। पल्लव, पता चल पाया बम की धमकी किसने दी है और क्या है पूरी डिटेल? देखिए, अब तक ये तो पता नहीं चल पाया है कि बम की धमकी किसने दी है, लेकिन ये जरूर है कि सोशल मीडिया के जरिए जो है बम की जो है धमकी दी गई है, जिसके बाद जो फ्लाइट थी AI-119 इसको जो है मुंबई से इसको जो है न्यूयॉर्क जाना था, रात को 2:08 पर मुंबई के एयरपोर्ट से उड़ी थी। उसके बाद इसे जैसे ही ये जानकारी एयर इंडिया को मिली, उसने इस फ्लाइट को जो है तुरंत डाइवर्ट कर दिया दिल्ली साइड, और इसकी इमरजेंसी लैंडिंग जो है अब से करीब 5 घंटे पहले जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर कराई गई है। फिलहाल जो है जो फ्लाइट है उसकी जो है सक्सेसफुली जो है लैंडिंग हो गई है एयरपोर्ट पर, और वहाँ पे जो है सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। वहाँ पे जो बम स्क्वाड है, जो डॉग स्क्वाड है, वो वहाँ मौजूद है। जो भी यात्री फ्लाइट के अंदर मौजूद थे उनको सच्चू उतार लिया गया है, जो क्रू मेंबर्स थे उनको उतार लिया गया है, और अब उस पूरे फ्लाइट को जो है क्योंकि ये बम की सूचना मिली है तो जाहिर सी बात चिंता करने वाली बात थी, तो अब पूरे मामले को लेकर जो है जांच की जा रही है। यात्रियों को उतारने के बाद जो है जो उनके सामान हैं उनके सामान की चेकिंग की जाएगी, फ्लाइट के अंदर पूरी चेकिंग की जाएगी, और फ्लाइट को पूरा रिमोट पर रखा जाएगा। जब तक पूरी फ्लाइट पे ये सूचना नहीं मिल जाएगी कि कोई दिक्कत नहीं, तब तक क्लियरेंस नहीं मिलेगा, तो एक लंबा समय लगेगा। फिलहाल शायद जो यात्री हैं वो सुरक्षित हैं, उनको एयरपोर्ट पे उतारा गया है और उनका इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन जो जब से ये जो बम की धमकी मिली थी उसके बाद से जो है तुरंत इसकी जो है थोड़ी देर बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई दिल्ली एयरपोर्ट पर, और फिलहाल सारे जो है जांच प्रक्रिया है वो की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किसने ये धमकी दी है, क्या सिर्फ ये धमकी वाकई कुछ ऐसा मसला था या जानबूझकर धमकी दी गई है या किसी शरारती तत्व ने इस तरह की हरकत की है, तो फिलहाल पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है। प्राइमा फेसी क्या लग रहा है पल्लव, प्राइमा फेसी क्या लग रहा है? आप बोल रहे सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी गई है, इनपुट सब तक मिल पाए हैं टीम को? देखिए, अभी तक जो एयर इंडिया ने कहा है कि जैसे हमको सूचना मिली कि बम की धमकी वाली बात, हमने तुरंत फ्लाइट की जो इमरजेंसी लैंडिंग करा दी है। हम तमाम तरीके से इसकी जांच कर रहे हैं। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी कि यात्रियों को असुविधा न हो, तो हमने इमरजेंसी लैंडिंग करा के उनको सुरक्षित रख दिया है। अब तमाम चीजों की जाँच की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसने जो है इस प्रकार की हरकत की है और क्या वाकई जो बम की धमकी वाली बात थी वो सही है कि नहीं। फिलहाल इससे अधिक कोई जानकारी नहीं मिली क्योंकि तमाम अभी जाँच प्रक्रिया है, फ्लाइट का मसला है तो उसको रिमोट पर रख के पूरी चेकिंग की जाएगी, और जब तक क्लीयरेंस नहीं होगा, जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आएगा, तब तक इसे कोई टिप्पणी करना सही नहीं है। तो तमाम जो एंगल्स है वो एयर इंडिया भी देख रहा है और जो वहां पे सुरक्षा के अधिकारी मौजूद है, जांच एजेंसी के अधिकारी मौजूद है दिल्ली एयरपोर्ट पर, वो तमाम एंगल से पूरे मामले को देख रहे हैं और जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अब कैसे ये मसला, क्या ये मसला है और क्या वाकई ये जो घटना है वाकई बम वाली सही है या किसी ने जो है जानबूझ के इस तरह के जो है कदम उठाए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका पल्लव तमाम जानकारी के लिए। तो ऑफिशियल अभी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि मजाक किया गया है, इसको लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल जो बम की धमकी मिली उसके बाद जो है आपको जानकारी दें कि फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है दिल्ली पर, और यहाँ पर बम स्क्वाड अब एक्टिव नजर आ रहा है, जाँच पड़ताल जारी है।